जहवीस से ने पुफे सुवा जह अरविंद माहू खतीन सेठे जह दंतव के इसीन सेठे तहवद्धमाने। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गंधर, पंचम गंधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु ऐसे भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए यहाँ पर इस गाथा में फरमा रहे हैं कि जोहे सुनाए जहवीस सेने, यानी जैसे योद्धाओं में वासुदेव श्रेष्ठ होता है और पुफे सुवा जह अरविंद माहू पुष्पों में जैसे कमल का पुष्प श्रेष्ठ होता है तथा क्षत्रियों में चक्रवर्ती श्रेष्ठ होता है, ठीक उसी प्रकार ऋषियों में वर्धमान स्वामी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो दो चरणों के बारे में हमने देखा कि योद्धाओं में वासुदेव कैसा होता है और पुष्पों में कमल पुष्प की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उनके बारे में हम देख चुके हैं। तो आज इस गाथा की तृतीय चरण यानी कि तीसरे पाद में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने फरमाया कि खतीन सेठे जह दंत वक्के, यानी कि जैसे क्षत्रियों में चक्रवर्ती श्रेष्ठ होता है। तो यहां पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने क्षत्रियों का उल्लेख किया है। पहले क्षुद्र वैश्य और क्षत्रिय, ये तीन चार ही जातियां थी और सभी का अपना अपना काम था। वैश्य यानी कि वणिक, जो व्यापार करता है वो वणिक कहलाता है। तो वैश्य यानी कि व्यापार करने वाला, उसका काम ही परंपरा से उसका काम ही व्यापार करना है। और दूसरे नंबर में जो क्षत्रिय है, क्षत्रियों का जो काम है वो एक तरह से प्रजा की रक्षा करना है। क्या करना है? रक्षा करना है, अपने देश की रक्षा करना।
अपने लोगों की रक्षा करना क्षत्रियों का काम है। और इसीलिए महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में बताया कि क्षत्रिय किसे कहा जाता है, तो वहां पर उन्होंने क्षत्रिय की परिभाषा की और कहा कि क्षतात् किल त्रायते इति क्षत्रियः, यानी जो पीड़ित लोगों की जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय हैं। क्या हैं वो क्षत्रिय हैं, यानी क्षत्रियों का काम ही रक्षा करना है। मेन काम, प्रमुख काम, देश की रक्षा करना, अपनी प्रजा की रक्षा करना। और इसीलिए जो क्षत्रिय होते हैं वो राजा ही होते हैं। यहाँ पर बताया गया कि जितने भी क्षत्रिय हुआ करते थे प्राचीन समय में, तो प्राचीन समय का हम इतिहास देखते हैं तो सब क्षत्रिय ही पाए जाएंगे। यानी जितने भी राजा महाराजा हुए हैं कहते हैं कि वो सभी क्षत्रिय थे। और अपने शासन में जो 24 तीर्थंकर परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा है, कहते हैं कि वो भी क्षत्रिय ही होते हैं। यानी तीर्थंकर भी क्षत्रिय ही होते हैं, दूसरा नहीं। यानी ये प्रसंग हमको बताता है कि तीर्थंकर होगा तो क्षत्रिय ही होगा। यानी 24 तीर्थंकर परमात्मा जो हुए इस अवसर्पिनी काल के, तो कहते हैं कि 24 के 24 तीर्थंकर परमात्मा क्षत्रिय थे। कौन थे? क्षत्रिय थे। भगवान महावीर स्वामी का ऐसा बनाव बना, ऐसा संयोग बना, कर्मानुसार ऐसा संयोग बना कि जब च्यवन कल्याणक हुआ तो परमात्मा की आत्मा देवानंदा की ब्राह्मणी की कुक्षी में अवतरित हुई। तो उस समय और किसी को पता नहीं था, ये जो बात है, जो गुप्त बात है, वो सिर्फ देवताओं को पता चली, देवों के राजा इंद्र को पता चली। और उन्होंने सोचा कि ये मेरा कर्तव्य है, और अपना कर्तव्य समझकर उन्होंने देवानंदा की ब्राह्मणी से, कुक्षी से गर्भ को हटाकर, अपहरण करके क्षत्रियानी त्रिशला माता की कुक्षी में स्थापित किया। यानी जन्म, ये तीर्थंकर है। कौन है? ये तीर्थंकर की आत्मा है, और तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय से ही होना चाहिए। और ये देवेंद्र ने काम किया, गर्भ परावर्तन का काम किया। तो ये ऐसे क्षत्रिय होते हैं, राजा होते हैं। कौन होते हैं? राजा होते हैं हमारे लेखक विद्वान मुनिराज नवीन चंद्र विजय जी महाराज ने एक गुरुदेव के बारे में किताब लिखी है, परमार क्षत्रियोद्धारक आचार्य भगवान श्रीमद विजय इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा का उन्होंने जीवन परिचय लिखा है। और उसमें उन्होंने क्षत्रियों का कुछ इतिहास लिखा है कि जो ये पंचमहाल और बड़ौदा जिलों में, छोटा उदयपुर आदि जिलों में जो बसते हैं, जो लोग रहते हैं, जो क्षत्रिय हैं, कहते हैं कि वो भी किसी समय राजा थे। क्या थे? राजा थे, परमार राजा थे, परमार क्षत्रिय राजा थे। राजस्थान में हमारा आबू आया है, और आबू के आसपास चंद्रावती नाम की नगरी थी, और वहाँ पर कहते हैं कि क्षत्रियों का राज था। और फिर कहते हैं कि दूसरे राजाओं ने हमले किए, आक्रमण किए, और उसमें परास्त हुए, और जहाँ जिसको जो जो जगह मिल गई वहाँ जा जाके लोग बस गए, और वो ही परमार क्षत्रिय हैं। क्या हैं? वो ही परमार क्षत्रिय हैं।
तो ये जो क्षत्रियों का यहाँ पर जिक्र किया गया, सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने किया कि क्षत्रिय राजा तो बहुत सारे होते हैं, हजारों की संख्या में क्षत्रिय राजा होते हैं, लेकिन इन सभी क्षत्रिय राजाओं में चक्रवर्ती श्रेष्ठ होता है, यानी इससे बड़ा कोई नहीं है, चक्रवर्ती से बड़ा कोई नहीं है। यानी हमारे जिन शासन में ये 63 शला का पुरुष बताए गए, शला का यानी प्रशंसित श्लाघ्य पुरुष, क्या है श्लाघ्य पुरुष, यानी ये ऐसे पुरुष हैं, ऐसे महापुरुष हैं, ऐसी भव्यात्माएं हैं कि ये सभी की सभी आत्माएं मोक्ष में जाने वाली है। तीर्थंकर को 24 तीर्थंकरों को तो जाना ही है, मोक्ष में उसी भव में जाना है, लेकिन जो 12 चक्रवर्ती हैं वो 12 चक्रवर्ती भी देर सवेर मोक्ष में जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? मोक्ष में जाने वाले आत्माएं हैं वासुदेव, प्रति वासुदेव सभी कहते हैं कि मोक्ष में जाने वाले हैं, यानी उनका मोक्ष पक्का हो चुका है, यानी ये आत्माएं अंत में मोक्ष में जाने वाली हैं, और उसी का नंबर कहते हैं कि ये 63 शला का पुरुष में आता है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा ने एक ग्रंथ का नाम ही 63 शला का पुरुष रखा। क्या रखा? 63 शला का पुरुष रखा, और इसमें सभी महापुरुषों का, यानी कि 24 तीर्थंकर परमात्मा, 12 चक्रवर्ती, वासुदेव प्रतिवासुदेव, सभी का जीवन चरित्र आ जाता है, जीवन परिचय आ जाता है, यानी ये पूरा इतिहास है। यानी इतिहास को जानना है, 24 तीर्थंकर परमात्माओं के बारे में समझना है, चक्रवर्ती के बारे में समझना है, वासुदेव प्रतिवासुदेव के बारे में समझना है, तो आप लोगों को, हम सभी को ये 63 शला का महाग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, उसका स्वाध्याय करना चाहिए। तो यहाँ पर ये 12 चक्रवर्तियों के नाम हैं, यानी इस अवसर्पिनी काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं और 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव इस प्रकार से हुए हैं। तो ये 12 चक्रवर्ती, यानी ये काल के भी दो विभाग होते हैं, उत्सर्पिनी और अवसर्पिनी काल। तो दोनों उत्सर्पिनी और अवसर्पिनी काल में 24 तीर्थंकर परमात्मा, 12 चक्रवर्ती, वासुदेव वगैरह सब महापुरुष होते हैं। तो ये अवसर्पिनी काल में ऋषभदेव परमात्मा से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए, और ये 24 तीर्थंकरों के साथ साथ 12 चक्रवर्ती भी हुए हैं। तो ये 12 चक्रवर्ती, यानी सबसे पहले भरत चक्रवर्ती महाराजा हुए, यानी वो ऋषभदेव के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ऋषभदेव परमात्मा के वो सुपुत्र थे और प्रथम चक्रवर्ती हुए। इस अवसर्पिनी काल के प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराजा हुए, जिनको शिश महल में केवल ज्ञान हुआ था, यानी मोक्ष में गए हैं। कहाँ गए हैं? ये जो भरत चक्रवर्ती हैं, ये भरत चक्रवर्ती निरासक्त थे, अनासक्त थे, भले चक्रवर्ती हुए लेकिन अनासक्त भाव से रहे, और ये अनासक्त का ऐसा प्रभाव है कि वो चक्रवर्ती होकर शिश महल में केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष में गए। तो प्रथम चक्रवर्ती हुए भरत महाराजा। दूसरे नंबर में सगर चक्रवर्ती हुए, तीसरे नंबर में मघवा चक्रवर्ती हुए, और चौथे नंबर में सनत कुमार चक्रवर्ती हुए, पांचवे शांतिनाथ, छठे कुंथुनाथ, सातवे अरनाथ, आठवे सुभूम चक्रवर्ती हुए, महापद्म हरिसेन, जयसेन और ब्रह्मदत्त, ये 12 चक्रवर्ती हुए इस अवसर्पिनी काल में। यानी क्रम से ये 12 चक्रवर्ती हुए,
और इसमें कहते हैं कि तीन चक्रवर्ती ऐसे हैं जो तीर्थंकर हुए हैं, अरिहंत परमात्मा हुए हैं, तो और तीनों का जन्म भी एक ही भूमि पर हुआ, हस्तिनापुर नगरी में। कहाँ हुआ? हस्तिनापुर नगरी में हुआ, यानी शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, ये तीन तीर्थंकरों का जन्म हस्तिनापुर नगरी में हुआ है। और ये तीन तीर्थंकर, तीर्थंकर होने से पूर्व उन्होंने चक्रवर्ती की रिद्धि सिद्धि प्राप्त की। यानी चक्रवर्ती कैसा होता है, यानी ये चक्रवर्ती का जो वर्णन है वो वर्णन अजित शांति में आता है। कहाँ पर आता है? हमारा स्तोत्र है, अजित शांति नाम का स्तोत्र है, और इस स्तोत्र में दो तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, एक शांतिनाथ और दूसरे अजितनाथ। कौन? अजितनाथ और शांतिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। और यहाँ पर इस स्तोत्र में बताया गया कि चक्रवर्ती की रिद्धि सिद्धि कैसी होती है, यानी कुरुजन वय हथिरा उर नरिसरो परमम तव महाचक्रवर्ती भोए महप भावो जो बावत्तरी पूर वर सहस नगर निगम जन वय वै चुलसी हय गय सहस सामी छन्न वै गाम कोड़ी सामी आसी जो भार हम्मी भयवम वेढ़ो। यानी इस गाथा में बताया गया कि कुरुजन वय हत्थिना, यानी कुरु देश में हस्तिनापुर नगरी आई हुई हैं, और वहाँ पर ये शांतिनाथ दादा हुए, यानी शांतिनाथ चक्रवर्ती हुए। तो कहते हैं कि चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं। क्या होते हैं? 14 रत्न होते हैं, चक्र रत्न, छत्र रत्न, दंड रत्न, खड़ग रत्न, मणि रत्न, काकिनी रत्न, चर्म रत्न, सेनापति रत्न, गाथापति रत्न, वार्धकी रत्न, पुरोहित रत्न, स्त्री रत्न, अश्व रत्न और गज रत्न। इतने 14 रत्न होते हैं, और इसमें से आधे जो रत्न हैं वो एकेंद्रीय होते हैं। कैसे होते हैं? ये जो रत्न होते हैं इसमें से चक्रवर्ती के 7 रत्न एकेंद्रीय जाति के होते हैं, बाकी के जो बचे हुए शेष 7 चक्र हैं वो पंचेंद्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? पंचेंद्रिय होते हैं, तो पंचेंद्रिय में अश्व, गज रत्न, स्त्री रत्न, पुरोहित रत्न, गाथापति रत्न, सेनापति रत्न, ये सब पंचेंद्रिय है। क्या है? ये पंचेंद्रिय हैं, और ये 9 तीर्थंकर परमात्मा के पास 9 निधियाँ होती हैं, 32,000 राजा होते हैं जो 72 नगरों के स्वामी होते हैं, ऐसे राजा चक्रवर्ती की सेवा में रहते हैं, यानी चक्रवर्ती के पीछे पीछे चलते हैं, 9 निधि होती हैं। और कहते हैं कि उनके पास कितने गांव होते हैं, तो कहते हैं कि 96 करोड़ के वो स्वामी होते, गांवों के वो स्वामी होते हैं, और 84 लाख, यानी उनकी सेना, और सेना में हाथी कितने होते हैं, तो कहते हैं कि 84 लाख हाथी घोड़े होते हैं, रथ वगैरह होता है, यानी इतनी बड़ी विशाल सेना चक्रवर्ती की होती हैं, और 64,000 युवतियाँ यानी कि महारानियाँ होती है। एक चक्रवर्ती के पास 64,000 युवती स्त्रियाँ होती है, यानी ये चक्रवर्ती का वैभव है। क्या है? चक्रवर्ती का वैभव है, रिद्धि सिद्धि है, और जितने भी रत्न हैं, दंड रत्न हैं, कहते हैं कि वो चक्रवर्ती को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं, यानी सेना को मदद करते हैं। चक्रवर्ती को कहीं पर भी जाना है, समुद्र को पार करना है,
तो भी कहते हैं कि चक्र रत्न के द्वारा वो चक्रवर्ती समुद्र को भी पार कर लेता है, यानी कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो कहते हैं कि रत्न ये विकट परिस्थिति के अंदर ये जो रत्न है चक्रवर्ती के जो रत्न है वो बड़े चक्रवर्ती को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और इसीलिए चक्रवर्ती सफल होता है। यानी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर वो सफल हो जाता है, छह खंडों पर वो विजय प्राप्त करता है और छह खंडों को जीतकर वो चक्रवर्ती बनता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि चक्रवर्ती का वैभव है। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि जैसे क्षत्रियों में चक्रवर्ती श्रेष्ठ होता है, वैसे ही ऋषियों में भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी ने चक्रवर्ती का उल्लेख किया कि मेरे प्रभु क्षत्रियों में चक्रवर्ती के समान हैं। तो जब परमात्मा का जन्म हुआ था, भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, तो उस समय स्वप्न पाठकों ने बता दिया था, फला देश में स्वप्न पाठकों ने बता दिया था कि ये चक्रवर्ती होगा। क्या होगा? ये जो वर्धमान नाम का जो बालक है वो बड़ा होकर चक्रवर्ती होगा। क्या होगा? ये सम्राटों का सम्राट होगा, बड़ा चक्रवर्ती होगा। और चक्रवर्ती नहीं होगा तो ये धर्म चक्रवर्ती होगा। क्या होगा? धर्म चक्रवर्ती होगा। और वो कैसा चक्रवर्ती? चाउरंत चक्रवर्तीनम, यानी नमुथुनम सूत्र में शब्द आया धम्म वर चाउरंत चक्रवर्तीनम, यानी कि ये ऐसा चक्रवर्ती अद्भुत चक्रवर्ती होगा जो चारों गतियों को चूर करने वाला चक्रवर्ती होगा। कैसा होगा? ये चारों गतियों को नष्ट करने वाला, चूर चूर करने वाला चक्रवर्ती होगा। जैसे चक्रवर्ती चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करता है, जीत हासिल करता है, वैसे ही ये वर्धमान चारों गतियों पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। यानी चारों गतियों को खत्म करके वो पंचम गति को प्राप्त करेगा। तो ऐसा भविष्य तो जन्मते ही स्वप्न पाठकों ने बता दिया था। और फिर जब परमात्मा का जन्म हुआ और जब परमात्मा का समय आया, माता पिता का स्वर्गवास हो गया, तो उस समय परमात्मा दीक्षा लेने की तैयारी करते हैं। तो उस समय नंदीवर्धन ने रोक लिया कि 2 वर्ष और रुक जाओ। तो अपने बड़े भैया के कहने से परमात्मा 2 वर्ष और रुक गए और बाद में दीक्षा अंगीकार की। और दीक्षा अंगीकार करने के बाद एक बार वो गंगा नदी के किनारे जा रहे थे, तो कच्चे रास्ते से धूल में वो रेत बालुओं में से गुजरते हुए परमात्मा जा रहे थे। तो वहाँ पर एक सामुद्रिक शास्त्री यानी पुष्पक नाम का सामुद्रिक शास्त्री वहाँ पर देखता है, गंगा नदी के बालू रेत कणों में वो देखता है, पाद चिन्ह देखता है और वो पाद पंक्तियों को देखकर वो कहता है कि यहाँ से अभी अभी कोई चक्रवर्ती गया है। कौन गया है? चक्रवर्ती गुजरा है। और ये चक्रवर्ती कैसा है? ये जो इसकी जो रेखाएं हैं, जो पंक्तियां हैं, वो बताती हैं कि ये चक्रवर्ती है। क्या है? ऐसे लक्षण चक्रवर्ती के ही पाए जाते हैं, लेकिन ये नंगे पांव हैं।
यानी एक ऐसा अद्भुत चक्रवर्ती हैं कि इसके पास तो जूता भी नहीं है, पहनने को जूता भी नहीं है, ये तो नंगे पांव गया है चक्रवर्ती, ये कैसा है। और चक्रवर्ती के पास कोई अकेला थोड़ी चक्रवर्ती होता है, यानी कोई मिनिस्टर भी होता है, एमएलए वगैरह भी कुछ होता है, मुख्यमंत्री होता है, तो कोई अकेला थोड़ी होता है, उसके पास पूरा काफला होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, आगे पीछे छोटे बड़े सब लोग होते हैं, लेकिन ये तो एकाकी है, यानी अकेला गए। चक्रवर्ती कोई अकेला थोड़ी रहता है, लेकिन ये तो कोई अद्भुत चक्रवर्ती हैं, और उसके पास जाकर याचना करनी चाहिए, वो एक ऐसा चक्रवर्ती हैं। तो उस समय कहते हैं कि उनके चरणों का, परमात्मा के श्री चरणों का अनुगमन करता हुआ वो पुष्पक वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर परमात्मा खड़े हैं, भगवान महावीर स्वामी खड़े हैं, वहाँ पर ये सामुद्रिक शास्त्र पहुँच जाता है और परमात्मा के दर्शन करता है, और उसको अपने शास्त्रों से विश्वास उठ जाता है कि ये मुंडन किया हुआ सिर, नंग धड़ंग, ये कैसा चक्रवर्ती है, ये कोई चक्रवर्ती है, ये मेरे लक्षण, ये जो शास्त्रों के लक्षण बता रहे कि ऐसा ऐसे लक्षण हो तो चक्रवर्ती होता है, लेकिन ये तो कष्ट उठा रहा है और इस तरह से ये कोई चक्रवर्ती थोड़ी है, ये मेरा शास्त्र झूठा है। क्या है ये मेरा शास्त्र? सारा का सारा शास्त्र झूठा है, मैंने गुरु के सानिध्य में अध्ययन किया है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपने आप पढ़ा है, गुरु ने मुझे समझाया है कि ऐसा ऐसे लक्षण वाला हो तो चक्रवर्ती होता है, लेकिन ये लक्षण तो है इसमें, लेकिन ये कैसा आदमी है, कोई चक्रवर्ती थोड़ी है, और तो मेरे सारा शास्त्र झूठा है, असत्य है, और ऐसा करके उस समुद्र में गिराने के लिए तैयार हो गया, गंगा नदी में पधराने के लिए तैयार हो गया। तो उस समय इंद्र महाराजा अवधि ज्ञान में देख लेते हैं, जान लेते हैं, और उसी समय आकर उसको रोक लेते हैं, पुष्पक सामुद्रिक शास्त्री को रोक लेते हैं कि भैया भैया रुक जाओ, रुको रुको, ये तुम्हारा शास्त्र सही है, क्या है ये तुम्हारा शास्त्र गलत नहीं है, सही है, सत्य है, लेकिन ये जो परमात्मा को देखकर तुम्हारे मन में जो भ्रांति हुई है, जो भ्रम हुआ है, ये त्रिलोकी नाथ है, ये चक्रवर्तियों के भी चक्रवर्ती, ये कैसे चक्रवर्ती हैं, यानी चारों गतियों को चूर करने वाले चक्रवर्ती हैं, ये धर्म चक्रवर्ती हैं, ये भगवान महावीर स्वामी हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। और इस प्रकार से कहते हैं कि पुष्पक को इंद्र ने जो भी मदद करनी थी, इंद्र महाराजा ने ही पुष्पक को उपहार दिया और उसको विदाई किया। तो ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी के लिए सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि जैसे क्षत्रियों में चक्रवर्ती होता है, वैसे ही ऋषि मुनियों में भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं। तो आगे की गाथा में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा बताएं कि दानान सेठम अभयपयानम, यानी कि दानों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई दान है तो वो अभय दान है। तो अभय दान कैसे सर्वश्रेष्ठ हैं, ये दान के बारे में, अभय दान के बारे में हम अवसर पर देखेंगे।